हे गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइस्टिक लिविंग की ब्लेमिश स्किन केयर किट का रिव्यू। और यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं और इन तीनों का आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। सो अगर आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको किट में भी मंगवा सकते हैं। ये ईजिली अवेलेबल है हर जगह, बहुत सारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ये ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। और इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है, इनके खुद के वेबसाइट पर भी आपको ईजिली ये मिल जाएगा। सो अगर आपको इनमें से कोई भी लेने में इंटरेस्ट हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक करिएगा एंड मैं अपना 1 वीक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट इंप्रेशन मैं बोल सकती हूं कि मेरा कैसा रहा इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये माइस्टिक लिविंग की ब्लेमिश क्लियर फेस स्क्रब। और ये 100 ग्राम की इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है और ये जितने भी तीनों प्रोडक्ट है ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, नो पैराबिन, नो सिलिकन और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, नो एनिमल टेस्टेड है। और ये जो रेंज है वो है ग्रीन कॉफी का। सो ग्रीन कॉफी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सो गाइस अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है इस तरह के कार्टन के बॉक्स में आती है और ये स्क्वायर कट में है और यहाँ पे लिखा हुआ है माइस्टिक लिविंग ब्लेमिश क्लियर फेस स्क्रब। इसके अंदर ग्रीन कॉफी, ओट मिल और टर्मरिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके आउटर पैकेजिंग में यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए हैं और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, एलो जेल, टर्मरिक, वॉलनट, ओट मिल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, शिया बटर और इमल्सीफायर वैक्स, सेरिक एसिड एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई है गाइस। सो एक बार आप पाउज करके इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। गाइस ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी स्किन टाइप है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 100 ग्राम की 549 रुपीज़ और ये 2 साल के एक्सपायरी डेट के साथ आता है। बात करूँ अगर मैं इसके इंटरनल पैकेजिंग की तो इस तरह के प्लास्टिक के टब में ये आता है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दे रही हूँ। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी गाइज कि जब भी आप इसको यूज करें तो एक बार पैच टेस्ट जरूर ले लें क्योंकि कभी कभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी आपको साइड इफेक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा बटरी और क्रीमी है, बट इसके जो ग्रैन्यूल्स थे गाइज वो मुझे थोड़े से हार्श लग रहे थे। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है, ताज़ा पिंपल है, तो भी आप इसका यूज़ ना करें क्योंकि वो आपको इरिटेट कर सकता है। सो सबसे पहले आपको अपने फेस को डैम कर लेना होता है, गीला कर लेना होता है, उसके बाद इसका थोड़ा सा आपको अमाउंट लेना होता है और हल्के हल्के अपने स्किन पे इसको रब करना है। सो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, मेरी स्किन टाइप है नॉर्मल। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बो है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको अवॉइड करें और अगर आपकी ताज़ा पिंपल एक्ने वाली प्रॉब्लम चल रही है स्किन पे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये स्क्रब आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, एक्सफोलिएट करता है और डार्क स्पॉट को कम करता है क्योंकि इसके अंदर टर्मरिक का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर ग्रीन कॉफी का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि हाईली अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है और फ्री रेडिकल से फाइट करता है। ये आपके पिगमेंटेशन को कम भी करता है और इसको आपको वीक में 2 से 3 बार लगाना होता है। बस 2-3 मिनट आपको इसको लगाने के बाद जो है मसाज करना होता है और उसके बाद सिंपली आपको ठंडे पानी से धो लेना होता है। नेक्स्ट और सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है माइस्टिक लिविंग की ब्लेमिश क्लियर फेस मास्क और ये भी 100 ग्राम की इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है गाइज। सो गाइज इस फेस मास्क की कुछ आउटर पैकेजिंग इस तरह की है जो कि कार्टन के बॉक्स में ही आती है और यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है ग्रीन कॉफ़ी, लाइकोराइस और सैंडलवुड। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, एलो जेल, मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट, पोटैटो एक्सट्रैक्ट, लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेटाइल अल्कोहल, इमल्सीफायर वैक्स, सेरिक एसिड, ग्लिसरो रोल, मोनो स्ट्रेट एंड काफ़ी सारी चीज़ें डाले गए हैं जिसको आप पाउज करके पढ़ सकते हैं वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है 549 रुपीज़ है, 100 ग्राम इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ये 2 साल के एक्सपायरी डेट के साथ आती है। इसकी इंटरनल पैकेजिंग कुछ इस तरह के प्लास्टिक के टब में आती है। अब मैं बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ये एक अंदर से लीड के साथ भी आता है और इसको हटाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा
अच्छी इसकी स्मेल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये इनकी जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे मैं जो हूँ एक ब्रश ले रही हूँ। सो अगर आपके पास ब्रश है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप अपना हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एकदम थिन लेयर लगाने की ही रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा थिक आपको लेयर नहीं लगाना है। इस मास्क को आपको 2 से 3 बार लगाना होता है इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए जैसे ही, तो आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी जलन महसूस हो रही थी। सो अगर ये आपके साथ भी होता है तो इट्स अ नॉर्मल, इससे डरने की कोई बात नहीं है। अब इस फेस मास्क को लगाने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, तो क्योंकि इसके अंदर सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, आपके पोर्सेस को टाइट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेकआउट्स को होने से। और इसके अंदर ग्रीन कॉफ़ी का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके डर्ट्स को और इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। लाइकोरैस को भी डाला गया है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं, डार्क स्पॉट को कम करते हैं एंड हाइपर पिगमेंटेशन को भी ये कम करते हैं। सो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद यहाँ पे मेरा मास्क पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने सिंपली वाटर से वॉश कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्किन कितना ज़्यादा क्लियर और क्लीन दिख रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये मास्टिक लिविंग की ब्लेमिश क्लियर डे एंड नाइट क्रीम। और ये क्रीम है, ये क्रीम मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा ये हाइड्रेटिंग क्रीम मुझे लगी। डे एंड नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। ये है मास्टिक लिविंग की ब्लेमिश क्लियर डे और नाइट क्रीम, जिसका इस्तेमाल डे और नाइट दोनों में कर सकते हैं। आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है जिसपे सब कुछ मेंशन है। इसके अंदर ग्रीन कॉफ़ी, मलबेरी और एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर ग्रीन कॉफ़ी, एलो जेल, प्यूरिफाइड वाटर, आलमंड ऑयल, शिया बटर, कोकोनट ऑयल, जिंक ऑक्साइड, इमल्सीफायर वैक्स, सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट, पोमोग्रेट ऑयल, मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई है। बहुत लंबी लिस्ट है जिसको आप पाउज करके पढ़ सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 50 ग्राम की प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको मिलती है 499 यानी कि 500 रुपीज़ में, और ये 2 साल के एक्सपायरी डेट के साथ आती है। इंटरनल पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरह के प्लास्टिक के टब में ये आती है। आफ्टर फेस वॉश और फेस मास्क लगाने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने का। सो यहाँ पे मैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मास्टिक लिविंग की ये डे और नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इन तीनों में सबसे ज़्यादा। इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, सॉफ्टी है एंड आपका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है। ये भी आपके पिगमेंटेशन को कम करता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो मलबेरी का इस्तेमाल किया है जो कि आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। और एप्पल साइडर विनीगर जो है वो एक एस्ट्रिजेंट की तरह काम करता है जो कि आपके डार्क स्पॉट को कम करता है और आपकी स्किन को इवन बनाता है। सो फाइनली आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा स्किन कितना ज्यादा क्लीन और क्लियर दिख रहा है। सो गाइज़, अगर फाइनली इन प्रोडक्ट्स के बारे में बोलूँ कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि डेफिनेटली आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। स्पेशली इनका जो क्रीम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, सूदिंग है। सो आप इसको डे एंड नाइट दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। बट मैं स्क्रब के बारे में यही बोलूँगी कि उनका जो ग्रैन्यूल्स है वो मुझे थोड़ा सा हार्श लगा, तो मे बी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर पिंपल एक्ने प्रोन वाली है तो आप उसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ ये सारे प्रोडक्ट मुझे जेन्युइन से लगे, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये था आज का मेरा वीडियो, तो मैं आप आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।